सारा प्रणाम, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमें मथुरा में यमुना नदी में, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं यमुना नदी में नाव से। इनसे जानते हैं चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ललित जी आप प्रोफेसर हैं, किस तरह चाहते हैं प्रत्याशी आप? देखिए, हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो जो समग्र रूप से मथुरा का विकास करे, मथुरा की जनता के दर्द को समझे। जैसे अभी हम यमुना में हैं, अब ये यमुना का आप रंग देखिए, यहाँ ये पूरा पानी जो है वो फरीदाबाद और दिल्ली का जो जो वेस्ट पानी है इंडस्ट्रीज का वो यहाँ आया हुआ है, इसमें यमुना का जल बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो मैं बात कहना चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत खराब है। अब तक यहाँ से कई मंत्री रहे, विधायकों ने रहे, लेकिन सबने अपना पेट भरा, अपनी संपत्तियां बनाई, किसी ने भी जनता के बारे में नहीं सोचा। और बहुत दुर्दशा में आज की स्थिति में एक महत्वपूर्ण शहर होते हुए पुरातात्विक लिहाज से, धार्मिक लिहाज से और ऐतिहासिक लिहाज से मथुरा एक बहुत ही मायने अपने आप में रखता है और बहुत ही बेकदरी इस शहर की आज की स्थिति में हो रखी। किसी ने विकास नहीं किया, अब हम बात करेंगे। ये बताइए, जनता वोट देती है, विधायक लोग बनकर जाते हैं, तो ऐसे में क्या फिर लौट के आते हैं, काम करते हैं वो? बिल्कुल नहीं करते हैं। इन लोगों को तो ये हो गया कि इनको अगर जिता दिया जाता है तो फिर इनको पीछे भागते रहिए। आज आप सड़कों की हालत देखिए, ये हाल हो गए, इतने इतने गड्ढे हैं कि पाइपलाइनों को खुदवा खुदवा कर डाल रहे हैं, 10-10 फुट, जिनका कोई भविष्य नहीं है। आज पुराने जमाने की जो नाले हैं और वो आप देखें काफी चौड़े हैं, और आज की तारीख में जो गिर रहे हैं वो 4-4 इंची पर, 8-8 इंची के पाइपों में से क्या नालों का, सीवरों का पानी निकल जाएगा, तो विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे साथ में ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सीनियर आदमी है, और साथ में तमाम लोगों से मिलते हैं। क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह लोग विधायक बनते हैं, प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं आप? हम आपके जो वोट देंगे वो स्वच्छ छवि वाला, आपराधिक न हो, और मथुरा शहर की तो दुर्दशा इतनी खराब है कि दिन भर हम ऑटो को चलाते हैं और संध्या को हमारे ऑटो खराब क्यों हो जाते हैं कि सारे मथुरा शहर की या मथुरा जिले की समझ लीजिए पूरी सड़कें सब टोटल खराब हैं। तो सड़कें खराब हैं, कम से कम सड़कें ठीक होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं और यमुना नदी में सफर कर रहे हैं, यमुना काफी मैली हो चुकी है, काफी गंदा हो चुका है, पानी बिल्कुल पीने को नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे विधायक जो बनते हैं वो हमसे यही वादे करते हैं कि मतलब हम यमुना नदी को स्वच्छ कराएंगे, या फिर मैं एजुकेशन लाइफ से हूँ तो एजुकेशन के बारे में भी कहूंगा कि मतलब वो लोग ये कहते हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे या मतलब लड़कियों के लिए पढ़ाई में छूट, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब सबको समान अधिकार हो, और जैसा कि मतलब यमुना नदी की आप कह रहे हैं, यमुना नदी का पानी स्वच्छ हो, क्योंकि ये मथुरा जो है वो एक बहुत ही बड़ी धार्मिक स्थल है, यहाँ पे बाहर विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं, तो मतलब उनको ये देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ पे अब लोग आचमन करने से भी डरते हैं कि मतलब कितना गंदा पानी है, कहीं हमें बीमारियां ना हो जाएं। तो जिस तरह आचमन करने से लोग डरते हैं, आप यमुना काफी दिनों से देख रहे हैं, अब कितना बदलाव आ गया यमुना में? यमुना में कोई अभी बदलाव नहीं आया है, मतलब यमुना ऐसी की ऐसी है, पहले जैसी गंदगी है, दुनिया भर की कूड़े करकट ये सब, नालों का भी कराया कि नाला भी नाले से नहीं जाएगा, अधिकतर नाले भी इसी में यमुना मैया में जा रहे हैं। तो जिस तरह बता रहे हैं कि नाले भी यमुना मैया में जा रहे हैं, बताएं कि जिस तरह यहाँ पर लगातार, जिस तरह प्रत्याशी लगातार चुनाव मैदान में है तमाम मुद्दों के साथ में, तो किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? हमारा मतदान, जो कि कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कुछ परसेंट है, और तकरीबन यहाँ हमारे मथुरा के अंदर जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं अपना पूर्ण रूप से कर्तव्य कोई नहीं निभा रहा है। मेरा तो कभी कभी ये दिल करता है कि किसी को मतदान दिया ही नहीं जाए, क्योंकि वायदे सभी करते हैं पर जिस टाइम चुनाव आते हैं तभी वादे रहते हैं उनके, पर चुनाव जीतने के बाद वो वायदे खत्म है उनके और उनकी कोठियों पे लाइन लगी रहती है, किसी की नहीं सुनते हैं। वैसे मैं बरसाना, ये राधा की नगरी बरसाना का रहने वाला हूँ, मैं तो साफ ये क्लियर कहना चाहता हूँ, आज से तुम इतिहास उठा लो 15-20 साल, आज मेरे क्षेत्र छाता क्षेत्र में दो ही प्रत्याशी हैं, हर बार वही आते हैं, एक बार एक। क्या है, जनता को ही सोचना चाहिए, मैं तो सोचता हूँ पर जनता को ही सोचना चाहिए, क्या ये दोनों ही लगे रहेंगे इस क्षेत्र में, कोई तीसरा भी आना चाहिए, और जब तक तीसरा नहीं आएगा
तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आज रोडों की हालत ये है कि आज से 15 साल पहले रोड खराब था और वो बना है, वो कुछ टुकड़ा किलोमीटर के हिसाब से कुछ टुकड़ा रह गया था, बरसा नंद कोसी से गोवर्धन के बीच का कुछ परसेंटेज रह गया था 1-2 किलोमीटर, और वो बनवाया था। वो जो रोड आज 15 साल से पुराना पड़ा है, वो रोड बिल्कुल सही है, उसके पीछे जो नया रोड बना है, कह रहे हैं कि रोड लगातार जो रोड है वो खराब होते जा रहे हैं, रोड बनते हैं लेकिन उसके बाद टूट जाते हैं, तो ये बहुत ही विषम समस्या है। जो भी प्रत्याशी चुनकर जाता है वो कोई काम नहीं करता, तमाम मंत्री इस क्षेत्र से, कई मंत्री यहाँ चुनकर आए, मंत्री बने, तो ऐसे में क्या कहना है, कुछ उन्होंने काम किया मथुरा के जनपद के लिए? देखिए, काम का तो ऐसा है कि काम वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। एक गाना है, वादे पे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, तो हमारी जो मथुरा क्षेत्र की जनता है वो सिर्फ वादों पे मारी जाती है। और लेकिन हम वोट ना दें ये भी गलत है। मैं सबसे अपील करूंगा कि जो फ्री के वादे कर रहे हैं कि हम ये बांटेंगे वो बांटेंगे, तो हमें लैपटॉप टैबलेट या इनसे मतलब नहीं, हमें जरूरत है ज्ञान की, शिक्षा की। आप शिक्षा फ्री एजुकेशन कीजिए उसकी जगह, जब तक हमारी शिक्षा नहीं होगी हमारे पास टैबलेट लैपटॉप इनका कोई यूज नहीं। और सबसे बड़ी चीज की जितनी भी टोटल समस्याएं समग्र समस्याएं इनको लेके कोई नहीं चलता है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो समग्र समस्याओं का निवारण कैसे हो, जो प्रत्याशी निवारण करने में सक्षम हो। सक्षम तो सभी होते हैं, 2 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को विधायक निधि मिलती है, लेकिन वो कहाँ जाती है, वो बताते क्यों नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है जनलोकपाल। जनलोकपाल इसलिए हम ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि एक इंसान 13 दिन तक अनशन पे बैठता है, उसके लिए संसद और सेंस ऑफ हाउस बोला जाता है, प्रधानमंत्री लिख के देते हैं, एक मंत्री आके उसको रामलीला मैदान पे पढ़ता है, लेकिन उसके बारे में कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये बता दिया गया है कि संसद ही सर्वोच्च है, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़े सर्वोच्च हमारे देश की जनता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन हम भारत के लोग कहाँ हैं, हमें ये सोचना है और उसी के अनुसार अपना मतदान करना है। जिस तरह कह रहे हैं कि मतदान जो स्वच्छ छवि का प्रत्याशी हो सही कम से कम वोट दिया जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम है लगातार लगी, कितना फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव में उसको लेकर? देखिए, मैं मथुरा जिले के मठ विधानसभा क्षेत्र से हूँ, इस मुहिम से काफी असर आ रहा है हमारे क्षेत्र में। जैसे मुहिम चल रही है, कार्यक्रम भी है, तो काफी असर पड़ रहा है, वहाँ पे जनता में जागरूकता आ रही है कि अब हम स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को वोट देंगे, जो ईमानदार होगा वो उसे वोट देंगे। हमारी जनता ये भी कह रही है कि राइट टू रिजेक्ट जल्दी से लागू होना चाहिए, जिससे कि इसमें से कोई भी अगर स्वच्छ छवि का नहीं होता है तो हम उसे रिजेक्ट कर सकें। जिस तरह कह रहे हैं कि स्वच्छ छवि होना चाहिए, ये विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है विकास के मुद्दों पे नहीं होता है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जात पात देखते हैं, धर्म देखते हैं, तो किन मुद्दों पर चुनाव चाहते हैं आप? जी, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आजकल चुनाव हो रहे हैं, लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता के नाम पर देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हों, मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्वच्छ आदमी को चुनाव प्रत्याशी चुना जाए, जो बिल्कुल जातिगत और सांप्रदायिकता के नाम पर ये सब अव्यवस्थाएं ना फैलाए देश में, और एक स्वच्छ चुनाव, स्वच्छ वातावरण का माहौल। जिस तरह यहाँ के लोग कह रहे हैं कि स्वच्छ भी प्रत्याशी हो, विकास के मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। अब समय ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयान, हम एक बार फिर है तैयार। प्रदेश के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर, जो देंगे आपको चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर। जीवन का फलसफा लिखा जाना है। यूपी चुनाव का हर रंग जानने के लिए देखते रहिए सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारे को सुरक्षा चाहिए। पिछड़े हैं और शायद पिछड़े ही रहेंगे। विधायक तो बहुत आए, बहुत गए। एमएलए में वो क्वालिटी होनी चाहिए जो लोगों की परेशानियां सुने। आज यहाँ की जनता बस केवल वोट दे रही है, कोई कुछ सोच नहीं रहा है। सरकार कोई उम्मीद नहीं है, जो आएगा कौन दिएगा, तो देख लेने वाले आदमी से क्या हो तो उसको हम भी देख लेंगे। कौन कहाँ उड़ के बोलिया सब नेता नगरी हरी भरी, कौन कहाँ उड़ के बोलिया सब नेता नगरी हरी भरी, नहीं किसी से डरता ताऊ सुन लो इसकी खरी खरी, नहीं किसी से डरता ताऊ सुन लो इसकी खरी खरी। पर आप
आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मथुरा की, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, लोग किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं, यहाँ जो वोट मैन है जो वोट चला रहे हैं ये क्या सोचते हैं, आप किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं? आप मैं ये चाहता हूँ ये बढ़िया हो, यमुना जी का प्रदूषण जो आ रहा है ये साफ हो, ये सामने वाला गऊ घाट वाला नाला है ये साफ हो यमुना जी का, और बहुत प्रदूषण आ रहा है यमुना जी में पॉलिथीन वगैरह, और ये सख्त होना चाहिए। जिस तरह कह रहे हैं कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, ये पर्यटक नगरी है, तीर्थ स्थान है, क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट दिखता है आपको यहाँ पर? ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता, ये कागजों में सिर्फ पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल तो ये होता है जैसे आपका महावीर मंदिर है दिल्ली में, वहाँ ऐड देते हैं, वहाँ पर पर्यटक आते हैं, वहाँ कर रहा है काम कर रहे हैं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे अपना घर द्वार महल टाइप में बनाना चाहते हैं, वही तीर्थस्थल बनाना चाहते हैं विधायक एमपी वगैरह अपने घर को, क्योंकि उनके घर को देखने आए, क्योंकि जनता जब क्षेत्र से आती है तो उन्हीं के घर को देख करके वो अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करती है कि हाँ ये मंत्री जी का घर है, लेकिन ये कोई नहीं कहता देख करके जमुना जी को, देख करके जमुना माता है इसमें सफाई होनी चाहिए। ये हम जो चुनते हैं हमें ये कहना चाहूंगा सभी मतदाताओं से जो वोट डालने लायक हो गए हैं कि उनको ये सोचना चाहिए कि लास्ट में 5 ईयर में गाली ना दें किसी को, ये नहीं किया वो नहीं किया, मौका है देखें परखें जाने कि वास्तव में वोट किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, जिसकी स्वच्छ छवि हो, शिक्षित हो, और सबसे मेन बात है जिसके अंदर सेवा भाव हो। तो जिस तरह करें सेवा भाव हो, कम से कम वो काम करें, जो मंत्री और एमएलए चुन के जाते हैं वो अपनी ही चीजें भरते हैं, ऐसे में क्या कहना है? जो तीर्थ नगरी है ये, यहाँ तीर्थ स्थान के रूप में बहुत ज्यादा विकास नहीं दिख रहा है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले विधायकों से? विकास का तो ऐसा है कि मथुरा से तीन चार चार मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि होली दरवाजे के बाहर जो वहां पर विकास हो सकता है, अच्छे अच्छे जो दुकानें बन सकती हैं या मॉल बन सकते हैं, वहां जगह अच्छी है, वहां कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन वो कन्वर्जन अभी तक किसी ने नहीं किया और इसका कोई विकास नहीं हुआ है। फर्दर हम ये चाहेंगे जो भी हमारा प्रत्याशी हो और जो चुना जाना है उसको हमारे जो अन्ना जी का आह्वान है कि चार्टर बनना चाहिए, हर बड़े जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उसमें चार्टर बनना चाहिए, कौन सा समय कितनी जल्दी होगा और जनता के लिए वो जो है सहायक हो सकेगा। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हो वो कम से कम महीने में 2 दिन जनता के लिए समर्पित रहे, पूरे 24 घंटे जनता को इनवाइट करे कि भाई आप आइए और अपनी परेशानियां हमें बताइए। ऐसा कोई भी विधायक नहीं करता, चुनने के बाद वो अपने या तो लखनऊ में रहते हैं या इधर उधर दिल्ली में चले जाते हैं। फर्दर ये भी है कि इतनी गंदगी मथुरा में प्रसारित है कि 6-6 महीने लोग जो है वो अपने जो सफाई वाले हैं वो 6-6 महीने जो है हड़ताल रखते हैं, और हड़तालों का ये होता है कि नाले भर जाते हैं और तमाम होली गेट पर पानी जमा हो जाता है और हर जगह पानी ही पानी नजर आता है, उसको सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी तरफ भी मैं जानता हूं कि एमएलए का ये काम नहीं है, फिर भी उसको ये अंकुश रखना चाहिए, डीएम के ऊपर उसका अंकुश होना चाहिए, नगर पालिका के ऊपर उसका अंकुश होना चाहिए, और इस तरह से बार बार जो सफाई कर्मचारी चले जाते हैं और इतनी गंदगी फैल जाती है, इस तरह काफी गंदगी फैल जाती है, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में साफ है कि जिस तरह यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और विधायक हो चाहे मंत्री हो चाहे एमएलए हो वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, और जनता काफी नाराज है, जनता चाहती है विकास हो, और कम से कम जो तीर्थ नगरी मथुरा है जो राधा कृष्ण की भूमि है यहाँ पर, तो ऐसे में जो लोग हैं मौजूद इनसे पूछते हैं ये राधा कृष्ण की भूमि है और यहाँ पर काफी विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। विकास के नाम पे इसलिए नहीं दिखा है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैंने देखा कि 300 करोड़ रुपए मथुरा वृंदावन विकास के लिए आया था, 300 करोड़ में तो गली नाले तो क्या हर चीज साफ हो सकती थी, लेकिन ये लोग सब खा गए, कोई यानी मदद करना नहीं चाहता है, सब अपनी पेट भरना चाहते हैं, कई बार लोगों से मिला भी जाता है तो खुद खुद ही गड्ढे गाड़ दिए गए, रोड खराब कर दी गई, एक काम को चालू कराएंगे, हमने काम चालू कराया है, लेकिन देखते हैं कि वो एक एक महीने तक गलियां नालियां खुद ही पड़ी रहती हैं, इससे जनता को भी परेशानी होती है, और ये 300 करोड़ लोगों ने जो भी आया सब कुछ खा गई, कोई नहीं करने वाला यहाँ पर, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिफर है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं जो यहाँ पर मैदान में है, किस तरह के उम्मीदवार को आप विधायक बनाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि विधायक ऐसा हो जो मथुरा की रोडों को सुधारे, कम से कम पीने का पानी, जो जंगल जमीन और जल जो अधिकार है हमारा वो तो कम से कम मिलना ही चाहिए, हमको पानी ऐसा मिलता है जैसे कि वो हल्दी को घोल के दे दिया, वो बिल्कुल सड़ा हुआ, हमको पानी बाहर से खरीदना पड़ता है, बहुत मुश्किल में रात को हमको उठा उठा के लाना पड़ता है, उसके अलावा रोडों की हालत बहुत खराब है,
और व्यापारियों की हालत बहुत खराब है यहाँ। चौक वसूली, गुंडागर्दी, छोटे मोटे छुटपइये, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ छोटी छोटी। कई विधायक आए, कई मंत्री रह चुके, कोई समस्या पर ध्यान ही नहीं देता है। और बहुत लंबे समय से आज तक कोई ऐसा प्रत्याशी या ऐसा कोई विधायक नहीं आया जिन्होंने इस देश, इस जिले के लिए सोचा हो, इस राष्ट्र के लिए सोचा हो। और मैं चाहता हूँ कि बिजली की हालत यहाँ पर, बिजली की भी हालत सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सर एक सेकंड भी ना काटी जाए, उसके बावजूद भी यहाँ बिजली कटती है, काफी कटती है। व्यापारियों का इससे क्या फर्क पड़ता है? व्यापारियों का रोजगार के लिए जो है टूरिस्ट स्थल है, मेन होलीगेट से लेकर द्वारकाधीश तक का एरिया है, इसमें तो लाइट ना दिन में मिलती है ना रात में मिलती है। तो यहाँ तो व्यापारी लाइट पर डिपेंड है, तो उस वजह से लोग व्यापारी नहीं कर पा रहे, बड़ी दिक्कत है। दुकानें 5 बजे बंद कर देनी पड़ती हैं, दिन में फिर गर्मियों में रहना पड़ता है पसीने में, इसलिए बाहर का ग्राहक एक दो बार आता, फिर बाहर बनारस की मंडी चला जाता, हरिद्वार की मंडी चला जाता, गुजरात में व्यापार जा रहा है, मथुरा से व्यापार खत्म हो रहा है, व्यापार मथुरा से क्या पूरे यूपी से ही खत्म हो रहा है। यूपी की स्थिति बड़ी खराब है, यहाँ गुंडागर्दी, यहाँ कोई सेफ नहीं है, चलना फिरना पूरे यूपी में स्थिति खराब है। इस तरह कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो विकास है पीछे होता जा रहा है, मथुरा और मथुरा बहुत ही पीछे हट चुका है, सड़क बिजली पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मथुरा में एक तो सबसे पहला कि हमें पता है कि पर्यटक टूरिस्ट प्लेस है, इसमें हर साल आप देखेंगे कि 10% की डिक्रीमेंट हो रहा है, टूरिस्ट 10% कम होते हैं धीरे धीरे। अगर यही हालत रहती है पर्यटक स्थल खत्म हो जाएगा, जबकि ये माना जाए कि यूपी का इकलौता पर्यटक स्थल रह गया है अगर धार्मिक स्थिति से देखा जाए, फिर भी हर इधर गिरावट आती आ रही। तो जब तक यमुना मैया शुद्ध नहीं होगी जब तक और बहुत बुरी हालत हो जाएगी। फिर दूसरा मैं ये मेन मुद्दा है कि यहाँ पे शिक्षा माफिया बहुत ज्यादा है, यहाँ से करोड़ों रुपए के बैग पहुंचाइए आप चीफ मिनिस्टर हाउस पे, आपको कॉलेज खोलने की परमिशन मिल जाएगी, फिर वो पैसे वो बच्चों से लिए जाते हैं इन द रूप डोनेशन के रूप में, फिर वो ये होता है कि फिर वो गलत काम करके वो पैसे कमाते हैं उनके घर वाले। तो सबसे पहला है कि आपके अच्छे लोगों को कॉलेज खोलने की परमिशन दी जाए, ना कि डोनेशन के बेसिस पे। जिस तरह शिक्षा माफिया भाभी यहाँ पर मथुरा में काफी, आप बहुत ही उम्र में छोटे भी, आप मतदान भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्या समस्या आपको दिखती है मथुरा में? सर मैं मतदान तो नहीं करूंगा, लेकिन रहता हूँ मार्केट में, ये तो पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैंने देखा कुछ आते हैं मंत्री, यूँ कहते हैं कि हमारे घर का दरवाजा हर वक्त आपके लिए खुला हुआ है, बस चुनाव के लिए खुला है, बस उसके बाद तो बंद है, उसके बाद तो आप जाओगे बाहर का कुत्ता भौंक के भगा देता है। आप देख सकते हो हर सिलेंडर में 2 किलो तो मिनिमम गैस कम आ रही है, एक बार मैंने पकड़ लिया, मेरे पिताजी ने 2 सिलेंडर दरवा लिए थे फिर उससे इस बदले में। अब क्या कहें, शिक्षा के मामले में बहुत से कहते हैं हम टैबलेट बांटेंगे, पीसी बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें टैबलेट पीसी नहीं चाहिए, आज की जनता की मांग है रोटी, क्या टैबलेट पीसी को खाएंगे वो? टैबलेट अब वो आम इंसान समझता है टैबलेट कोई गोली हो उसे चलो खा के पेट भर लेंगे, लेकिन वो निकलता है पीसी, उसने चलाना आता नहीं, शिक्षा आती नहीं, तो अब क्या कहाँ से चलाएंगे हम उस टैबलेट को? इस तरह कह रहे हैं कि करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई भी पहल नहीं कर रहा है, विधायक चुन के जाते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह प्रयास नहीं कर रहा है। अब समय ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयान, हम एक बार फिर है तैयार। प्रदेश के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जो देंगे आपको चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर, जीवन का फल सफा लिखा जाना है, यूपी चुनाव का हर रंग जानने के लिए देखते रहिए सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बंटा ढार पड़ रही महंगाई की मार, नालियां कहाँ पे गई कहाँ स्कूल, जब से गए दिल्ली हो गए गुलेरी के फूल। झूठ बोलना भाषण देना जोड़ तोड़ में सीख चुकी हूँ, चलो इलेक्शन में मुझको भी दे दो टिकट अब नेताजी। और प्यादे सब वजीर बन गए माफिया नवाब हो गए, हमरे बलमा बड़े बेईमान हमें पटियाने आए, देश का लूटो बारी बारी जियो बहादुर खादर धार। आदमी आजाद है देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है, वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है, अब तो प्रजातंत्र है, अब
तो प्रजातंत्र है, आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, कोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, आदमी आजाद है। हमारे को सुरक्षा चाहिए, पिछड़े हैं और शायद पिछड़े ही रहेंगे, न्याय तो बहुत आया बहुत के। एमएलए में वो क्वालिटी होनी चाहिए जो लोगों की परेशानियां सुने। आज यहाँ की जनता बस केवल वोट दे दे रही है, कोई कुछ सोच नहीं रहा है, सरकार कोई उम्मीद नहीं है, जो आएगा वो वोट देगा, और देख लेने वाले आदमी से क्या हो तो उसको हम भी देख लेंगे। कौन कहां और के बोल्या सब नेता नगरी हरी भरी, कौन कहां और के बोल्या सब नेता नगरी हरी भरी, नहीं किसी से डरता ताऊ सुन लो इसकी खरी खरी, नहीं किसी से डरता ताऊ सुन लो इसकी खरी खरी। रॉयल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल शहर के मध्य स्थित आधुनिक शिक्षा प्रणाली से सुसज्जित, छात्र छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा सहित विद्यार्थियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रॉयल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मथुरा की समस्याओं की और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। अभी काफी लोग बाकी हैं जो अभी अपनी बात रखना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या खास दिखती है मथुरा में आपको? मथुरा में तो समस्याओं का बहुत ही विकराल स्वरूप है, लेकिन मैं कहना यह चाहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे ऊपर अपना प्रत्याशी थोपती हैं, और अपना प्रत्याशी हमारे ऊपर थोपने के बाद फिर हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर बांटती हैं, फिर पैसे के बेस पे या उसके कैडर के बेस पे या गुंडागर्दी के बेस पे, दारू के बेस पे और बंदूक के बेस पे हम लोगों से वो वोट लेने की अपेक्षा करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी हैं सबको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और या तो ऐसे प्रत्याशी को दें इन राजनीतिक पार्टियों के पास जिसकी साफ साफ स्वच्छ छवि हो, या फिर हम लोग ये करें कि राइट टू रिजेक्ट करें, 4900 फॉर्म भर के हम लोग ये करेंगे कि इन राजनीतिक पार्टियों में से किसी को भी वोट नहीं देंगे। जिस तरह यमुना किनारे के काफी मंदिर देखे जा सकते हैं, काफी मंदिर बने हैं यमुना किनारे, और साथ में कंस किला सामने बना हुआ है जहाँ पर कंस का किला बना हुआ है, कंस यहाँ रहते थे, और पूरा जो तीर्थ स्थल है काफी विकसित हो सकता है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन जब देखते हैं कि काफी पिछड़ा हुआ है मथुरा, तो ऐसे में वो बहुत ही दयनीय स्थिति देखकर वापस लौटते हैं, तो ये काफी स्थिति खराब है। लेकिन लोग की ये मांग है कि मथुरा का विकास होना चाहिए, तीर्थ स्थल के रूप में इसको डेवलप होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और भी लोग इनसे बात करते हैं कि कृष्ण की नगरी है तो यहाँ विकास किस तरह हो सकता है, बता ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ कि पिछले कई वर्षों से कई योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार की यहाँ रही। अगर यहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो जो मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, जो वर्तमान विधायक हैं वो इस बात पर वोट मांग रहे हैं कि पूरा पूरा सड़क पूरा पूरा मथुरा उन्होंने खुदवा रखा है और सड़कें अस्त व्यस्त हैं, रास्ते अस्त व्यस्त हैं, अब वो इस बात पर वोट मांग रहे हैं कि अगली बार मुझे चुनिए तो मैं इनको दोबारा से ठीक करवा दूंगा, यानी आधे काम मेरे लंबित पड़े हैं। दूसरी विशेष बात में जो यहाँ से सांसद रहे हैं वो यदा कदा यहाँ दिखाई देते हैं, और 2.5 वर्ष में जो एक पार्टी विशेष के कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो दूसरी पार्टी में मिल गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो सांसद निधि है वो उसमें से 10 या 20% भी खर्च नहीं कर पाए, तो विकास के नाम पर तो यह स्थिति है। और मथुरा के बारे में तो मुझे प्रसिद्ध शायर का एक शेर याद आ गया कि कल मिला बाजार में वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, और एक और मुझे शेर याद आता है कि बुलंदी वो नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, कवायद तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। तो इन नेताओं की जो स्थिति है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी स्थिति के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और ये जो दुर्दशा आपको देखने में मिल रही है इसके लिए आक्रोश सब में है, और उस आक्रोश की परिणति जैसे मेरे भाई ने कहा कि राइट टू रिजेक्ट के रूप में आनी चाहिए, और वैसा अब या तो हमें आगे अगले चुनाव में ऐसा प्रतिनिधि मिले जो कि खुद की जेबें नहीं भरे, समग्र मथुरा का विकास कराए, मथुरा के आम आदमी के दर्द को पहचाने, अन्यथा की स्थिति में ये होगा कि अगला चुनाव आप देखेंगे तो कोई भी प्रत्याशी चुनके नहीं आए। काफी लोगों में नाराजगी है, लोग काफी दर्द है इनके अंदर कि मथुरा का विकास नहीं हो रहा है, तब से मथुरा का विकास होना चाहिए। आप ये कहना चाहेंगे विकास में क्या कमी दिखती है और ये विकास कैसे होगा? विकास में ये कमी दिखती है कि मतलब हर साल यूपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपी हर साल करोड़ों रुपया आता है,
लेकिन यहाँ यूपी में आप देख सकते हैं आपके सामने सारी स्थिति, कितना विकास हो रहा है और कितना पैसा लग रहा है। पैसा सारा जनता के लिए, जनता से आता है, लेकिन जनता के लिए कुछ भी नहीं हो पाता है। सारा विधायकों की जेब में या फिर उनके कामों में लग जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो पैसा हमसे टैक्स के रूप में या और अन्य करों के रूप में वसूला जाता है, उसको हमारे सही काम में लगाया जाए। विकास होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो ये भी होगा जब यहाँ का जो प्रतिनिधि जो है का है बढ़िया होगा, ईमानदार होगा और तभी इसका विकास हो पाएगा। ईमानदार एमएलए चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि अच्छा कोई आए और हमारे मथुरा का विकास करे, जिससे वो आगे हर बार पब्लिक एक बार में ही उसी को चुने जो ये विकास चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं? विकास का मुद्दा ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, विकास का मुद्दा ही महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूँ कि संतरी से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट हैं। जब तक जन लोकपाल बिल आएगा तो पूरी समस्याओं का सलूशन है जन लोकपाल बिल। ये कह रहे हैं कि जन लोकपाल बिल ही सलूशन है, आप कहना चाहेंगे? जन लोकपाल अन्ना हजारे जी का ही सशक्त पास हो, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ये दो भी आए। इसके अलावा गुंडागिर्दी खत्म हो और कानून व्यवस्था बने। जो कानून की रक्षा करते हैं वही कानून तोड़ रहे हैं, जैसे कि सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने उनके लिए चुनाव आयोग कठोर कार्रवाई करता है फिर बैक हो जाता है। जिस तरह कह रहे हैं कि कानून कम से कम नहीं तोड़ना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जिस तरह यहाँ पर विधायक चुन के जाते हैं और विधायक बन जाते हैं फिर पलट दोबारा नहीं आते हैं, क्यों इस तरह आप लोग उनको वोट दे रहे हैं? जो एक बार चुनते हैं फिर विधायक बन जाते हैं फिर आप गलती करते हैं, क्या कहना? एक्चुअली मुख्य कारण इसका यह है कि जो लोकल पार्टियां बन गई हैं, जो लोकल इंडिविजुअल हैं पार्टियों में, उन पार्टियों के बलबूते पे जो टिकट लेने जाते हैं उन्हें करोड़ों में टिकट मिलती है। जब वो करोड़ों टिकट लेके आते हैं फिर खर्च करते हैं इलेक्शन में, तो करोड़ों से फिर अरबों कमाएंगे और अरबों कमाएंगे तो फिर हमारे पास आएंगे तो अरबों नहीं कमा पाएंगे। इसलिए ये लोकल पार्टियां तो खत्म ही होनी चाहिए। देश में सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टी होनी चाहिए, वही एक सॉल्यूशन है विकास करने का और जनता को एक सही प्रतिनिधि देने का। आप जिस तरह देख सकते हैं यमुना में कितनी गंदगी दिख रही है, बिल्कुल एकदम नाले की तरह हो रहा है, बिल्कुल पानी बिल्कुल यहाँ पर खराब है, गंदा है, यहाँ बदबू काफी ज्यादा आ रही है। हम लोग इस बोट में हैं, बोट में सभी लोग इतने यहाँ पर बोट इसकी बदबू को देखकर परेशान हैं। तो सबसे बड़ी बात है यमुना की बात कोई नहीं कर रहा है, गंगा की बात कोई नहीं कर रहा है, नदियों की बात कोई नहीं कर रहा है। सबके लिए अन्य मुद्दे अहम है लेकिन नदियों के मुद्दे इतने अहम नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है यमुना बिल्कुल खत्म होती जा रही है, गंगा खत्म होती जा रही है। बताएं गंगा की जो स्थिति है क्या कहना चाहेंगे? गंगा के बारे में तो मुझे ये कहना है कि आप देखिए हरिद्वार देखिए, और इसके अलावा हरिद्वार में जो है, और यमुना के बारे में, यमुना के बारे में ये है कि कोई आसपास आप देखिए ना तो कोई होटल है, कोई बाहर के पर्यटक लोग आते हैं वो कहाँ ठहरे? आपको नजर आता है इतना बढ़िया नजारा है, गंदगी यहाँ पर दिख रही है, उसके बारे में कहना? गंदगी तो इसलिए है कि सारे नाले वगैरह जो है पूरे जो है इसी में आ रहे हैं, उसका कोई ऐसा सीवेज सिस्टम नहीं है कि नालों का पानी एक जगह एकत्रित किया जाए और उसका सफाई करके उस पानी को अलग किया जाए, और नालों को बंद करने के बाद ही ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो यहाँ पर आसपास जो पशु वगैरह मर जाते हैं उनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको जलाया जाए या उनको अलग के गाड़ा जाए, जबकि यहीं पर ही सब मतलब डाल दिए जाते हैं। तो ये कहना चाहूंगा कि जब ये नेता इतने जागरूक होते हैं, जनता के बीच में रहेंगे, तो जनता के बीच में जो पॉलिसी ऊपर से बन के आती है वो आम जनता की जानकारी में नहीं है। जब जानकारी का अभाव है जनता, तो जनता समझ नहीं पाती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो वास्तविकता ये है, घर का गंदा पानी जो निकलता है उसकी समुचित व्यवस्था तो एक ऊपर से ही प्रजातांत्रिक तरीके से होती है। एक अकेला व्यक्ति अकेले अपने घर के लिए एक लाइन नहीं डलवा सकता, तो वो सब नेता जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, जनता के बीच में आएंगे, जनता की बातें सुनेंगे, जनता जब कुछ बताएगी किस तरह निकलना चाहिए, बैठ करके कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा कि यहाँ पर नहीं जाना है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो तो जनता के द्वार केवल वोट के समय आते हैं, वोट के पड़ने के बाद में उसके बाद विधायक लखनऊ पहुंचते हैं, एमपी दिल्ली पहुंचते हैं, हमारे वर्तमान सांसद साहब का हाल आप देख सकते हैं। इस तरह कह रहे हैं कि सिर्फ वोट के समय आते हैं उसके बाद नहीं आते हैं। ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं ललित जी बताएं? आपने जैसे यमुना की बात की, तो इस समय सरकारों के पास जो मुद्दा है या जनप्रतिनिधियों के पास, वो यमुना एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे मुद्दे हैं, क्योंकि वहाँ से वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लूटते हैं, सरकारें लूटती हैं, मुख्यमंत्री को जाता है, अफसरों को जाता है, मंत्रियों को जाता है, जनप्रतिनिधियों को जाता है। यमुना की सफाई से उन्हें जो जितने प्रोजेक्ट यहाँ हैं, देखिए आज आपने जो यमुना की बात की, तो आज सरकारों के पास जो बात करने को है वो यमुना एक्सप्रेसवे की बात करने को है, गंगा एक्सप्रेसवे की बात करने को है, यमुना उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
यमुना एक्सप्रेसवे से मुख्यमंत्री को पैसा जाता है, मंत्रियों को पैसा जाता है, पार्टियों को पैसा जाता है, जनप्रतिनिधियों की जेबें भरती हैं, अरबों खरबों की लूट होती है। अब यमुना से उन्हें क्या लूट होगी? यमुना से तो केवल जो प्रोजेक्ट्स, तमाम प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी जो पैसा है उसमें से ये लाखों करोड़ों ले लेते हैं, लेकिन वहाँ अरबों खरबों लूटते हैं। तो यमुना के लिए तो किसी का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो यहाँ जो एक लाइफ लाइन मथुरा की है वो लगभग समाप्ति पर, जैसे आपने देखा अभी ये तमाम नाले यमुना में गिर रहे हैं और तमाम तरह की परियोजनाओं के अंतर्गत करोड़ों अरबों रुपए इसका लूटा जा रहा है। तो इसकी ओर किसी का कोई मुद्दा ये यमुना का किसी भी प्रत्याशी के उसमें नहीं है। जिस तरह हमने इस बोट में सफर किया और इस बोट में यहाँ पर लोगों के विचार जाने और कम से कम लोगों ने बताया कि जो प्रत्याशी चुनके जाते हैं, विधायक बनते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, और चुनावी चौपाल में जिस तरह लोगों ने अपनी बातें रखी, सबसे बड़ी बात ये भी कही उन्होंने कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। अब चुनावी चौपाल में सिर्फ इतना ही, सारा प्रणाम।